हे गाइस वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑन द चैनल आज हम बात करने वाले एक ऐसे प्लेयर के बारे में जिसका नाम है के एन ये प्लेयर शॉटगन किंग लगता है मुझे क्योंकि कल ही मैंने इसका गेम प्ले देखा और साथ में बात करूँ तो ये कोई क्लासिक गेम प्ले नहीं है ये प्रॉपर टी वन खेलता है एंड साथ में कोरियन में कोरिया में जो पी एम पी एस चल रहा है गाइज उसमें खेल रहे हैं एंड जो पुराने डैम वन गेमिंग थे ना जिसमें फ़ाबियन वगैरह खेलते थे उनको ये एंड ओसाल भी खेलता है कितना तो अच्छा प्लेयर है वो उसके जैसे ये प्लेयर एंड बहुत अच्छी शॉर्ट गन है एंड बहुत प्यारा खेलता है अभी ये इसका मतलब इसका आई क्यू दिखना है पे इसने इस प्लेयर को कैसे डाउन किया जस्ट इसने गाड़ी में बैठा सीट चेंज करा एग्जिट करा एंड डाउन कर दिया एंड वैसे ही वापस आ गया मतलब कितना क्विक ये प्लेयर है एंड इसके शॉर्ट गन के तो मैं क्लच दिखाने वाला वालू एंड बहुत चीजें और भी दिखाने वाला हूं एक तो स्प्रे की एक्यूरेसी एक्य ज्यादा ऊपर मैं बात नहीं करूंगा बहुत अच्छा प्लेयर है वो तुम देख ही सकते हो बट मेनली शॉर्ट गन क्योंकि ये प्लेयर मिस ही नहीं करता है गाइज बहुत कम शॉर्ट शॉर्ट गन के मिस करता है एंड मैंने बहुत सारे प्लेयर ऐसे देखे जो शॉट गन यूज करते हैं बट इसके जैसा मतलब बहुत कम देखे जो हर एक शॉर्ट कनेक्ट कर रहे इवन ये मॉन्टाज है बट फिर भी एक्यूरेसी का समझ में आ जाता है कि कितना अच्छे तरीके से ये बंदा मार रहा है कितने कितना क्विक ये खेल रहा है एंड इसकी शॉर्ट गन कितनी अच्छी चलती है सो so, कुछ गेम प्ले देखते हैं इसके इवन तुम स्प्रे तो बहुत दिख चुके हो भाई स्प्रे कितनी अच्छी कर रहा है बहुत बढ़िया स्प्रे कर रहा है क्लोज रेंज भी इसका अच्छा है बट क्लोज रेंज में इसका कोई हरा ही नहीं सकता क्योंकि शॉर्ट जो इसके पास रहती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखिए डी बी एंड एसटिल के बट एस्टिल के इतनी फास्ट चलाते हैं इसकी टैपिंग स्पीड देखना अभी ये तीन बंदे इसके सामने से आ रहे हैं वन टू थ्री डन और मतलब दो सेकंड में या एक सेकंड में इस बंदे ने पूरे डाउन कर दिया अभी देखो एक और गेम प्ले देखो जहाँ पे इसके ऊपर वो रिकॉर्ड पुश कर रही होती है एंड ये देखो एक नॉक उसके बाद यहाँ पे एक और शॉट एंड देन लास्ट जो बंदा होता तो है उसको भी निकल के देखो कितनी कित, मतलब कितनी स्पीड से शॉर्ट चला रहा है वो तुम देख रहे हो एंड जित इतनी स्पीड से मतलब डिवाइस शेक होता है बट इस बंदे का डिवाइस भी आई थिंक शेक नहीं होता है भाई ये आ, बिल्कुल एक्यूरेट बंदे के ऊपर हिट करता है एंड इसके रिफ्लेक्सेस तुम देख सकते हो तो काफी फास्ट खेलता है बहुत तरह खेलता है एंड अभी देखो कवर में गया हेड मारा एंड दूसरी साइड भी हेड मारा बहुत क्विक प्लेयर है एंड आई थिंक कि मतलब आने वाले टाइम में ना ये बंदा बहुत ऊपर जाने वाला है एंड लोग रिकोगनाइज करेंगे बट इसके शार्ट के तुम शॉर्ट्स देखो भाई हर एक शॉर्ट बॉडी में फिट बैठता है एंड मतलब मैं जब देख रहा था ना इसका मुझे कल ये